वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है विकाराम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल BRB फोटो एंड वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से ग्रीन स्क्रीन रिमूव वीडियो लेकर आ चुका हूँ। वेडिंग वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत शानदार था। ये मूविंग फोटो वीडियो एडिटिंग, जिसे एल्बम एडिटिंग भी आप कर सकते हैं, अपने मोमेंट के फोटो है जो भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो आप देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बिना किसी देर हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ काइन मास्टर एप्लीकेशन पर। क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है, 16:9 के रेजुलेशन को सिलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक नंबर पर जिस भी फोटो का आप वीडियो बनाना चाहते हैं वो फोटो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से कुछ फोटो वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको आगे की वीडियो को बताऊँगा। तो यहाँ से मैं कुछ फोटो उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूँ, सेटिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, एडिटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फुल स्क्रीन आपको यहाँ पर कर देनी है। तो गाइस, यहाँ से फुल स्क्रीन करने से क्या होगा कि फोटो है जो आपको फुल स्क्रीन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ से मैं कुछ फोटो वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और मॉडल की है। तो दोस्तों, यहाँ से मैं है जो बहुत 4-5-10 फोटोज है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों यार, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जाए लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक में आप बहुत ज़्यादा कंज्यूज करते हैं। प्लीज़ यार, सभी लोग है जो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकेगी। तो दोस्तों, मैंने यहाँ से सारे फोटो है वो सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद फोटो पर आपको टैप करना है और पैन एंड जूम पर क्लिक कर देना है और या टू लाइन पर क्लिक करना है और फेस को है जो रिवील कर देना आपको, ठीक है। तो यहाँ से स्क्रीन में फेस को सही से दिखना चाहिए, इस तरीके से आपको कर देना है। तो मैं सभी फोटो में है जो कर देता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं सभी फोटो को है जो मैंने पैन एंड जूम सही से स्क्रीन में फिट कर दिया है। फिट करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर है जो आगे की प्रोसेसिंग बता दो। तो यार गाइस, है जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर है जो आ जाना है और यहाँ से एक टेम्पलेट वीडियो को सेलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ से एक है जो एक दो फोटो और सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से है जो दो फोटो और सेलेक्ट कर ली, सेलेक्ट कर रहे हूँ क्योंकि ये फ़ोटो कम पड़ रही थी, ठीक है। तो ये फ़ोटो रहने देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है और यहाँ से है जो पैन एंड जूम कर देना है फुल स्क्रीन इस तरीके से। फिर आपको स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाना है, लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से है जो आपको कुछ ट्रांसलेट ऑप्शन है जो सेलेक्ट कर लेना। तो प्लस आइकन जहाँ पर आपको वाइट दिख रहा है वहाँ पर है जो कुछ ट्रांसलेट इफेक्ट है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी ट्रांसलेट इफेक्ट है उनको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो भी आपको पसंद आते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से कुछ है जो ट्रांसलेट इफेक्ट है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर आपको है जो आगे की बताता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ से मैं सारे में ट्रांसलेट इफेक्ट है जो अलग अलग मैंने डाउनलोड कर रखे हैं। आप ऊपर गेट मोर का ऑप्शन दिख रहा है स्टोर का, वहाँ से जाकर आप ट्रांसलेट इफेक्ट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके बहुत अच्छी गैलरी वीडियोज़ क्रिएट कर सकते हैं, एल्बम वीडियो बना सकते हैं। और दोस्तों यार, मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मैं सभी में ट्रांसलेट इफेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं आपको आगे की प्रोसेसिंग है जो बताऊँगा। I've been stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. You know I'm begging for you, just waiting for you to show me your love. I wanna be certain, we don't have to be lonely, we don't have to be hurting, 'cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry, I don't wanna think every night about how we've been so blind. So upset, I've waited till it's too late. No rest for lovers who are undetermined. I just wanna be certain, I don't wanna waste all our time wondering if we're right. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign, I don't want you going away. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign, don't you feel the same? You want it for us, even though you don't wanna say it. I've been saying it softly, with no words. You whisper with your eyes. I'm waiting for you, just waiting for you to give it enough. Give it enough. No, I'm begging for you, just waiting for you
you show me your love, baby. Cause I wanna be certain, we don't have to be lonely, we don't have to be hurting. Cause I'm feeling like you and I are perfect. तो दोस्तों यहाँ पर लहर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और कुछ एक टेम्पलेट वीडियो है उसको सिलेक्ट कर लेना। तो गाइस मैं एक टेम्पलेट वीडियो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद में है जो आपको आगे ही बताता हूँ वीडियो को किस तरीके से कंटिन्यू करना है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो है जो उस टॉपिक पर ले आऊँ। तो ये वाला टेम्पलेट है इसको है जो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में नीचे कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं, एक ऑप्शन शो कर रहा है ब्लडिंग का, तो ब्लडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है और स्क्रीन कर देना है। ठीक है, स्क्रीन करने के बाद में आपको क्या करना है, इसका एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको है जो ट्रिम कर देना है। ट्रिम करने के बाद में यहाँ से कैसे क्या तो क्लिक करना है और ट्रिम कर देना। तो मैं यहाँ से है जो इसको ट्रिम कर देता हूँ और ट्रिम करके आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने के बाद में यहाँ पर राइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको सेव कर लेना है। ठीक है, तो इसको एक्सपोर्ट होने देते हैं, एक्सपोर्ट होने देते हैं, तब तक हम है जो वेट कर लेंगे। और फिर ये जो एक्सपोर्ट हो चुका है फिर क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है और यहाँ से 16:9 के रेजोल्यूशन को सिलेक्ट कर लेना है और आपको एक बैकग्राउंड में फोटो सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ से मैं ब्लैक स्क्रीन सिलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लैक स्क्रीन सिलेक्ट करने के बाद में आपको है जो इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देना है, जितनी आपकी वीडियो की ड्यूरेशन है उस हिसाब से आपको रख देना है। फिर लेयर का ऑप्शन क्लिक करना है, मीडिया का ऑप्शन क्लिक करना है और यहाँ से एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद में इसको क्या करना है, जितनी रेजोल्यूशन है उस हिसाब से रख देना है। तो मैं इसका है जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको है जो ट्रिम कर दूंगा, पर दोस्तों इसको पहले फुल कर देते हैं ताकि हमें समझ में आ सके। फिर इसका जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको है जो हम ट्रिम करने के। तो दोस्तों ये वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नॉन कॉपीराइट है, आप है जो उसमें अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना गाइस, तो यहाँ से मैं कर लूँगा, यहाँ पर डाउनलोड सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में इसको क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट्स है उन सभी को है जो ट्रिम कर देंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यहाँ पर है जो कैसे क्या हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसके फुल स्क्रीन कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर रखता हूँ और मैं यहाँ जो आगे आ जाता हूँ, थोड़ा सा आगे रखने के बाद में यहाँ पर है जो इस तरीके से कर देना है। तो दोस्तों यार वीडियो कैसी लगी है आपको कमेंट सेक्शन में है जो मुझे कमेंट करना है। तो ये दो पार्ट्स में है जो डिवाइड कर देना है आपको, कैसे का आइकन पर क्लिक करना है और टू पार्ट्स में कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट करने के बाद में इसको जूम कर लेना है, जूम करने के बाद में वीडियो का आइकन पर आपको क्लिक करना है, क्रोमा की कर देना है और इनेबल कर देना है। ठीक है गाइस, और कलर की पर सिलेक्ट करके कलर को सिलेक्ट कर लेना है। तो देन गाइस यहाँ से है जो मैं ब्लू कलर है, ब्लू कलर को भी सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जूम कर लेना है। जूम करने के बाद वापस से क्रोमा की करना है और की कलर पर क्लिक करके ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी कलर है वो कलर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है ताकि आप इनेबल करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, यहाँ से है जो वापस स्टार्टिंग पोजिशन पर आपको आ जाना है, लेयर के ऑप्शन क्लिक करना है और मीडिया का ऑप्शन क्लिक करके जो वीडियो अभी एक्सपोर्ट की थी वो वीडियो को आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर वीडियो को है जो सही से ट्रिम कर देना है, एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है उसको ट्रिम कर देना है। ट्रिम करने के बाद वीडियो को है जो आपको यहाँ पर दो पार्ट्स में वीडियो को भी डिवाइड कर देना है, जहाँ पर आपने ग्रीन कलर को डिवाइड किया था वहाँ पर है जो। फिर आपको वीडियो के आइकन पर क्लिक करना है और इसको जो है जो दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको सेंड टू बैक कर देना है। थ्री डॉट पर क्लिक करना है, सेंड टू बैक कर देना है और फ्रेम के अंदर फिट कर देना है इस तरीके से। ठीक है, और फिर जूम आउट करके एकदम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसको क्रॉप कर लीजिएगा और दूसरे वाले में भी अलग अलग कीजिएगा। तो दोस्तों मैं एक बार रिक्वायरमेंट करूँगा कि आप लोगों से कि ट्रांसलेट इफेक्ट जब आप इंटर करें दो प्रकार के ही इंटर करें, ताकि आप जब भी वीडियो को मूव करेंगे एल्बम के तौर पर तो उस तरीके से आपको सही से सेट बैठ जाएगा। ठीक है, तो थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको भी सेंड टू बैक कर देना है। और दोस्तों देख सकते हैं हमारी वीडियो है जो लगभग बनकर रेडी हो चुकी है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो है जो पसंद आई होगी और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको है जो ट्रिम कर देना है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी एक और नए वीडियो साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।